बॉक्सिंग रिंग में अपनी ताकत और महारत के जोहर दिखाने वाला ये नौजवान मोहम्मद आतिफ है, जो कई मुकाबलों में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के बायस अब तक 5 गोल्ड मेडल भी हासिल कर चुका है। आतिफ का जिस्म ही मजबूत नहीं, इरादे भी आहिनी हैं। बॉक्सिंग के साथ साथ इसने पंजाब यूनिवर्सिटी से BBA मुकम्मल कर लिया है। निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों में बेहतरीन कारकर्दगी पर हासिल किए गए सर्टिफिकेट्स की भरमार है, लेकिन बदकिस्मती से मुल्क में ऐसे काबिल खिलाड़ियों के लिए भी नौकरियां नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल बॉक्सिंग करियर में जो है मेरे 5 गोल्ड मेडल हैं, 2 सिल्वर मेडल हैं। लास्ट टाइम जो है ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज का बेस्ट बॉक्सर डिक्लेयर्ड हुआ था मैं। आतिफ बहुत अच्छा है, अपने स्पोर्ट्स में इसने बहुत मेहनत की है। इनके फेडरेशन को चाहिए कि उसका नाम के इन बच्चों का जो है ख्याल रखना चाहिए। आतिफ और इन जैसे BCO नौजवान रोजाना की बुनियाद पर घंटों सख्त जान प्रैक्टिस इस उम्मीद पर करते हैं कि इनकी सलाहियतों का एतराफ किया जाए और इनकी माली सपोर्ट का ऐसा बंदोबस्त किया जाए कि वो पूरी ज़हनी आसूदगी से मेहनत करें ताकि मुल्क का नाम रोशन कर सकें। बॉक्सिंग को अगर कोई इंस्टीट्यूशन हमें सपोर्ट करे तो मैं उस तक भी बॉक्सिंग बेस को ले जाना चाहूँगा ताकि मेरे मुल्क का नाम रोशन हो और भी लोग अवेयर हों इस चीज़ से और वो भी बॉक्सिंग आगे करें। अगर इदारे जो उनसे अगर इन्वेस्टमेंट करें तो इंशाल्लाह बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता है। वसाइल महदूद सही, लेकिन इन नौजवानों के इरादे नहायत पुख्ता और इनका अज़्म जवान है। आतिफ और इन जैसे बॉक्सिंग का पैशन रखने वाले दीगर नौजवानों ने इस अज़्म का इजहार किया कि अगर कौमी इदारे इन्हें सपोर्ट करें तो ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि बैन अल-कौमी मैदानों में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ मोहम्मद तौसीफ सभी, समा, लाहौर।